हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में। इजिप्ट में लिपस्टिक का इस्तेमाल तो वैसे 5000 साल से हो रहा है, पर लिपस्टिक शब्द 1880 के बाद ही प्रचलन में आया। दुनिया में सबसे ज्यादा लिपस्टिक का इस्तेमाल अमरीकी महिलाएं करती हैं और भारत में लिपस्टिक की कीमत दुनिया में सबसे कम है। लिपस्टिक दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ब्यूटी प्रोडक्ट होने के साथ ही इसके इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के बारे में उपयोगकर्ता बहुत कम ही जानते हैं। आज लिपस्टिक के निर्माण में कई तरह के टॉक्सिक इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो कैसे खरीदें सुरक्षित लिपस्टिक ब्रांड, यही है आज के इस वीडियो का विषय, जिसमें आज आप जानेंगे लिपस्टिक के दुष्प्रभाव क्या है और 3 ऑर्गेनिक लिपस्टिक ब्रांड कौन से हैं ये, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। लिपस्टिक इस्तेमाल करते समय इसके इंग्रेडिएंट के बारे में जानकारी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रतिदिन लिपस्टिक इस्तेमाल करने से एक महिला अपने पूरे जीवन काल में 2 किलो तक लिपस्टिक खा जाती है। हमारे होठों पर ना ही कोई बाल होता है और ना ही कोई पसीने की ग्रंथि, इसलिए लिपस्टिक इस्तेमाल करने से इसके हानिकारक तत्व आसानी से शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लिपस्टिक बनाने के लिए कई तरह के खतरनाक टॉक्सिक केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने लिपस्टिक ब्रांड को 2 कैटेगरी में बांटा है। कैटेगरी 2 में हमने ऐसे ब्रांड्स को रखा है जिनको बनाने के लिए कई तरह के खतरनाक इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए जाते हैं, और कैटेगरी 1 में ऐसे ब्रांड हैं जिनका आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकती हैं। और आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप किस ब्रांड के लिपस्टिक का इस्तेमाल करती हैं और क्या इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना लिपस्टिक ब्रांड बदलना चाहेंगी। तो आइए अब बात शुरू करते हैं कैटेगरी 2 से। इस कैटेगरी में हमने ऐसे ब्रांड्स को रखा है जिनको बनाने के लिए कई तरह के टॉक्सिक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इन केमिकल्स में सबसे पहला नाम है मिथाइल पैराबिन का। मिथाइल पैराबिन लिपस्टिक को खराब होने से बचाने के लिए एक प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यूरोप के बहुत सारे देशों ने इसके संभावित कैंसरकारी प्रभावों के कारण मिथाइल पैराबिन पर प्रतिबंध लगा रखा है। यह प्रिजर्वेटिव इंडोक्राइन सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप थायराइड, PCOD या अन्य हार्मोन संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं, तो हो सकता है कि इसका एक कारण आपकी लिपस्टिक भी हो। इसके बाद दूसरा टॉक्सिक इंग्रेडिएंट है पॉलीपैराबिन। यह भी एक प्रिजर्वेटिव है और लिपस्टिक में इसका इस्तेमाल किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया को उत्पन्न होने से रोकने के लिए किया जाता है। अध्ययन बताते हैं कि यह प्रिजर्वेटिव आपके इंडोक्राइन सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, जिससे थायराइड, PCOS, सुगर और इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए पॉलीपैराबिन को हाई रिस्क की कैटेगरी में रखा गया है। तीसरा टॉक्सिक इंग्रेडिएंट है रेटिनॉल पैलमेट। यह एक सिंथेटिक विटामिन ए है और इसका इस्तेमाल लिपस्टिक में एंटीऑक्सीडेंट की तरह किया जाता है। यह कैंसरकारी इंग्रेडिएंट गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही खतरनाक है। यह होठों की त्वचा से आसानी से शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद यह सबसे पहले रेटिनॉल और फिर रेटिनोइक एसिड में परिवर्तित होता है। सूर्य की रोशनी में रेटिनॉल कंपाउंड टूटकर टॉक्सिक रेडिकल्स बनाते हैं, जो DNA को नुकसान पहुंचाकर जेनेटिक म्यूटेशन करता है, जो कि कैंसर होने की एक प्रक्रिया है। इसके बाद चौथे नंबर पर नाम आता है डाइस का। डाइस का इस्तेमाल लिपस्टिक को रंग देने के लिए किया जाता है। आमतौर पर लिपस्टिक को बनाने के लिए सिंथेटिक डाई का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बनाने के लिए एल्यूमिनियम, कैडमियम, क्रोमियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये डाइज हमारे शरीर के विभिन्न अंगों और फैटी टिश्यूज में स्टोर होते हैं। कोलतार जैसा कैंसरकारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी लिपस्टिक को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डाइज के अलावा लिपस्टिक को बनाने में मिनरल ऑयल का भी इस्तेमाल किया जाता है। यह पेट्रोलियम बेस्ड इंग्रेडिएंट स्किन पोर्स को ब्लॉक करता है, जिससे स्किन सेल डेवलपमेंट के साथ स्किन की प्रॉपर फंक्शनिंग भी बाधित होती है। यह संभव है कि मिनरल ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट में पॉलीएक्रेलिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, जो कैंसर उत्पन्न करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त लिपस्टिक को बनाने में लेड का भी इस्तेमाल किया जाता है। 2007 में हुआ एक अध्ययन यह बताता है कि अमेरिका में बिकने वाली लगभग 61% लिपस्टिक में लेड की मात्रा सामान्य से ज्यादा पाई गई। रेवलॉन और लॉरियल के लिपस्टिक में लेड की मात्रा सबसे ज्यादा पाई गई। इसका अर्थ यह है कि यदि आप ज्यादा पैसा खर्चा करके महंगे ब्रांड इसलिए खरीदते हैं कि ये सुरक्षित होंगे, तो यह संभव नहीं है।
ऐसे खतरनाक लिपस्टिक ब्रांड के उपयोग से शरीर में रेड इकट्ठा होने लगता है, जिसके कई सारे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। और इन ब्रांड्स के इस्तेमाल से ज्वाइंट पेन, हाई ब्लड प्रेशर, पेट दर्द, याददाश्त की कमी, मूड डिसऑर्डर, मिसकैरेज, प्रीमेच्योर बर्थ, हेडेक, लर्निंग डिसेबिलिटी, सीजर, डेथ इन चिल्ड्रन, बच्चे का धीमा विकास, लर्निंग प्रॉब्लम, फटीग, वोमिटिंग, वेट लॉस, भूख कम लगना और इनफर्टिलिटी जैसी समस्या हो सकती है। अहमदाबाद की कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी ने 43 प्रकार की भारतीय लिपस्टिक ब्रांड पर 2013 में एक अध्ययन किया था और इस अध्ययन का उद्देश्य इन ब्रांड में लेड की मात्रा जानना था। CERS ने जिन ब्रांड्स को टेस्ट किया उनके नाम है आईटेक्स, रेवलॉन, L18, लॉरियल, कम्बोर, स्ट्रीट वेयर, लैक्मे, मैक्स फैक्टर, मैबलिन, ओरिफ्लेम, कलर बार, टाइटन न्यू, ADS, फेंडी, परसोनी, रूप बिला, लेवोली, लिप्स एंड टिप्स, सिलोरा और सुगर लिपस्टिक। और इस अध्ययन के नतीजों में यह पाया गया कि इन सभी ब्रांड में लेड की मात्रा निर्धारित मात्रा से ज्यादा थी। इसके अतिरिक्त यदि आप ब्लू हेवन, एम्बे एटीट्यूड, स्विस ब्यूटी और कलर सेंस जैसे ब्रांड का उपयोग करती हैं, तो आपको लिपस्टिक खरीदने से पहले इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। और मेरी तो आपको यह सलाह है कि आपको ऐसे ब्रांडों के इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए। इनके स्थान पर आपको ऐसे ब्रांड्स चुनना चाहिए जो आपकी त्वचा के साथ साथ आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान ना पहुंचाएं। और ऐसे ही ब्रांड हैं कैटेगरी 1 का हिस्सा। और आइए अब बात करते हैं कैटेगरी 1 के बारे में। इस कैटेगरी में हमने जिन ब्रांड्स को रखा है उनके निर्माण में किसी भी तरह के टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स जैसे पैराबिन, सिलिकॉन्स, लेड, DEA, TEA, फाथालेट्स, SLS, SLES, मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस का इस्तेमाल नहीं हुआ है और इन ब्रांड्स का आप इस्तेमाल बेफिक्र होकर कर सकती हैं। तो आइए अब बात करते हैं सबसे पहले ब्रांड की और इसका नाम है सोल्ट्री आयुर्वेदिक लिपस्टिक। 100% वेजिटेरियन और हलाल सोल्ट्री की लिपस्टिक को बनाने के लिए क्लासिफाइड बटर, कैस्टर ऑयल, एलमंड ऑयल, बी वैक्स, कोकोवा बटर, नेचुरल विटामिन ई और रोज ऑयल जैसे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है। और इन लिपस्टिक को खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकती हैं। परचेजिंग लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और दूसरे नंबर पर हमने रखा है रूबी ऑर्गेनिक लिपस्टिक को। इस लिपस्टिक को बनाने के लिए शिया बटर, मैंगो बटर, जोजोबा ऑयल, आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, बी वैक्स, टोकोफेरॉल जैसे अन्य प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया गया है और इस ब्रांड का भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 3 पर नाम है ऑर्गेनिक स्टिक लिपस्टिक का। इस लिपस्टिक को बनाने के लिए सिया बटर, जोजोबा ऑयल, बी वैक्स, कैस्टर ऑयल, नेचुरल आयरन डाइऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया गया है। इन ब्रांड्स को खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। परचेज लिंक वहां पे उपलब्ध है। यह संभव है कि ये 3 ब्रांड आपके रेगुलर लिपस्टिक ब्रांड से ज्यादा महंगे हो सकते हैं, पर इन ब्रांड के इस्तेमाल से आपके स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और किसी से शेयर भी कीजिएगा। इस विषय से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।